एक पासे जिथे लुधियाणा विच करोना महामारी का पसार लगातार वधदा जा रहा है, उत्थे ही हुण प्रशासन वल्लों निजी हस्पतालां नूं भी तैयार करन लई कह दिता है। जिस दे तहत लुधियाणा दे पावा हस्पताल विच हंगामा हो गया, जदों स्टाफ दीआं नर्सां ने कहा कि ओह करोना वार्ड विच काम करन नूं तैयार हन, पर उन्हां तों हस्पताल प्रशासन वल्लों एक एग्रीमेंट ते दस्तखत करवाए जा रहे हैं, जिस ते ओह दस्तखत करन लई राजी नहीं हन, क्योंकि उस एग्रीमेंट विच बहुत सारी थां खाली है जिस ते हस्पताल प्रशासन कुछ भी अपने कोलों लिख सकता है। इस तों अलावा ओह मिलदी तनखाह उत्ते ही करोना वार्ड दे विच काम करन लई तैयार हन, पर उन्हां दे बर्खास्त कीते साथियों नूं मुड़ बहाल किया जाए। नाल ही उन्होंने हस्पताल मैनेजर वल्लों उन्हां नूं तंग परेशान करन दे आरोप लगाए हन। पावा हॉस्पिटल दा स्टाफ हां जी, असीं सारा ठीक है, साडी अपने मालक नाल हॉस्पिटल दे मालक नाल कोई लड़ाई नहीं, सानू नहीं पता उन्होंने साडियां गल्लां दा साडियां मंगां दा पता भी है कि नहीं, साडी लड़ाई है अपने मैनेजर नाल। सानू उन्होंने समय समय से अलग अलग चीज़ां करवाइयां नेगियां, सानू सब तो पहला कोविड वार्ड बारे दस्सिया, असीं सारे विलिंग आ, ड्यूटी करनी साडा फर्ज बनता, असीं सौं चुकी हुई आ, असीं पेशेंट देखणे आ, साडा फर्ज बनता वा, ठीक है। उन्होंने सानू ऑफिस दे विचों ही मटीरियल दिता कि तुसीं आह चीज़ां लिखो, असीं उह चीज़ां लिखियां, तुहाडियां मंगां पूरियां करवाइयां जाणगियां, असीं लिखियां सारिआं ने, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद सानू उन्होंने कहा कि नहीं, तुहाडियां इह मंगां नहीं, तुसीं आह वाली लैटर लिखो, असीं लिखतीआं। उन्होंने फिर सानू एक लैटर दित्ती आ, ठीक है, जिहदे विच सारे स्टाफ दे नाम अलग अलग लैटर आई आ, जिहदे विच लिखिआ होइआ सीगा कि असीं अपनीआं मंगां मंग रहे सीगे, मैं सानू हॉस्पिटल इह नहीं प्रोवाइड कर सकदा, ठीक है, असीं अपने डिसिप्लिन वगैरह भुल चुके हैं, सारा ये वो तो लिखा हुआ, असीं नहीं साइन किए। फिर असीं फिर एक लैटर, सानू तीन कुड़ियां नूं उन्होंने बरखास्त करता ड्यूटी तो, नहीं लिया साडी एनएस मैडम ने, नहीं लिया ड्यूटी ते। असीं हुण जिहड़ी मंग लिखी आ उहदे विच असीं इही लिखिआ कि साडी मैडम नूं बुलाया जावे, साडे तीन स्टाफ बुलाए जाण, असीं कोविड विच वी सारी ड्यूटी करांगे, विद सैलरी करांगे, असीं एक्सट्रा वी नहीं मंगदे। जदों हुण साडा स्टाफ ही बण गई, असीं आपस विच ही यूनिटी, असीं नहीं मंगदे। हुण साडे तों आ देखो जी, आ सब तों साइन कराए जा रहे आ इहदे ते, इह देखो इह सही आ, तुसीं पढ़ो, इह जे सही आ असीं करन लई तैयार हाँ, ड्यूटियां तों कोई मना नहीं, साडा सिर्फ लड़ाई आ, असीं साइन नहीं कर रहे, मंग साडी कोई भी नहीं हैगी, असीं पेशेंट देखण लई तैयार हाँ, साढ़े तीन स्टाफ जिहड़े बरखास्त कीते आ ड्यूटी ते लए जाण, ते असीं आह वाली चीज़ ते साइन नहीं लैणा, असीं नहीं कर सकदे साइन इह चीज़। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੀ ਐੱਫ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਪਾਵਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਇਹੋ ਰੱਖ ਦਵੋ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਸਟਾਫਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਓ, 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਈ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿੱਤ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
करता है तो सानू भी डीसी लैवल तो इंस्ट्रक्शन मिली ने कि असं इस काम शुरू करना है। असं काम शुरू कर लेट हो रहे हैं क्योंकि साडा स्टाफ नर्सिस जी कोपरेट नहीं कर रही सानू दिन पर दिन अपनी नवी नवी डिमांडा लिख दिंदियां ने ताकि सानू उस वार्ड च ड्यूटी ना करनी पवे। फिर भी असं उन्हां दी सारियां जिहड़ियां ने अपनी डिमांडा पूरियां करतियां। असं उन्हां नू इह वी कहता कि तुहानू प्रोटैक्शन वास्ते असीं पीपी किट्स देंगे और तुहानू अगर तुहाडा कोई पेशेंट और तुहाडा तो तुम अगर ड्यूटी ड्यूरिंग द ड्यूटी तुम कोरोना पॉजिटिव हो जाते तो थोड़ा ट्रीटमेंट करांगे और तुहानू असीं इंश्योरेंस इंडिविजुअल वाइज इंश्योरेंस करा के देंगे ताकि तुहानू कोई किसी चीज़ का खतरा ना रहे। जो बाकी अस्पताल कर रहे आपां उस तो ज़्यादा बैटरमेंट अच्छा कर रहे हैं लेकिन यह लड़कियां ने अपने रोज़ रोज़ की डिमांडा लैके आ जाने कभी कहें ने यह करो वह करो वो करके मैनेजमेंट भी थोड़ा जा सोचती है कि रोज़ ही नवी 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 डिमांडा लैके आ जाती है। हूँ असं इन सारिया गल्ला मान लिया पहले कहें सू 1000 रुपया पर डे दिता जाए फिर जो मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया वे मन गया हूँ कह आप उन्होंने कहा कि तुम चलो सारा कुछ मन गए तुम अपना अंडरटेकिंग दे दो कि आप काम करा ताकि आप सारा सिस्टम जो आप उसको मैनेज करने वास्ते काफ़ी इनवैसटमेंट भी करती असी वार्ड भी तैयार करता असी एसी भी लगाता सब कुछ करता लेकिन यह अपनी हजे ड्यूटीज तो पिछे हट रही ने और कोई ऐसी गल नहीं नहीं मैंबर कोई बार नहीं कटे जी वो साढ़े को लैटर लै लैके बार बार आए थे उन्होंने आप दो तीन दिन वास्ते सस्पेंड किया उन्होंने आप बार नहीं कटिया जी। हाँ जी देखो जी आप स्टाफ के नाल तैयार हाँ असं सारा कुछ जो सिस्टम देने तैयार है लेकिन यह जिवें हुण गेट बंद कर रही ने होस्पिटल की सारी इमेज खराब होंगी है बाहर खड़ी होकर गेट बंद करती है ये करता इन्हों के बह के गल करो थोड़ी गल हो रही है लेकिन जाके बाहर बोल रही है वाइट पेज अंडरटेकिंग है सर नहीं कुछ नहीं लिखाया जा सकता उसमें देख सकते हो सिर्फ आप लिखाया गया है कि तुम अपने होस्पिटल के सिस्टम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करोगे तो अपना जी अपने इंसेंटिव दे रहे हैं और कुछ नहीं। प्राइम लुधियाना तो प्रभजीत की रिपोर्ट।